बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। साडी दुआ साडे पैन पर अल्लाह ताला खुश रखे, शादो आबाद रखे। इस दुआ नाल करदे आज दी वीडियो शुरू। आज दी वीडियो शुरू करन तो पहले छोटी जिही गुजारिश, जिहड़े भैन भरां साडे चैनल आसे वीडियो सबसक्राइब नहीं कीता, साडा चैनल आसे वीडियो सबसक्राइब करो ते बैल दा बटन लाजमी प्रेस करो ताकि साडी आने वाली हर वीडियो तुहाडे तक बार वक्त पहुँचदी रहे। करदे जी आज दी वीडियो शुरू। अज काफ़ी खास काम करने वाले घर के भी ते काम दे काम उत्ते भी जाना वा, जिम्मे दा देना ते मैं तैयार हो गया ते मैं दिखाना वा जिहड़ा मैं सुबह सुबह उठ के आई। मेरी पूरी दिन की रूटीन जी मैं अपने भैन भरावां शेयर करदा जी। काम तो जाने पहले सब तो पहले तो बिस्तरे इकट्ठे करने होंगे कि वजन हास्यो को चक हों ना चार पाई है चकती है। बिस्तरे इकट्ठे करदा, बिस्तरे इकट्ठे करन तो बाद कपड़े इस्तरी करके रख ले। कपड़े इस्तरी मैं पहले कर लेना, उस तो बाद बिस्तरे चकदा जी। बिस्तरे जाली दे घटा घराती नेरी चलती रही, काफ़ी घटा पिया नेरी दे उत्ते, जाली दे उत्ते भी जाली भी झाड़ के रखनी नाल लगती। बच्चे हुण ही सुते उठे आ चाची अख्तर को। चलो ठीक है जी, शेख भी एक सूट दिंदा बच्चा, शेख का भी यार एक सूट डिस्कस हो रही है। दिन जड़े इतने रह गए अठ दिन रह गए, तो दो सूट भाई शायद होर लै गया, एक सूट अज शेख होर लै गया छुट्टी ना करो तो पहले मेरा काम कंप्लीट हो जाए। मैं नमाज पढ़ने एक बजे छुट्टी करेंगे जी, उस तो बाद दो बजे सा जुमा होंगे ते तीन बजे वापसी काम से अगे भी आई दा। बस हूँ फिर अज भी तीन बजे काम से आ जावे। जरा काम अज किया वा हूँ दिखो दिखा अपने भैन भरा तकरीबन 11 बज गया है, तो 11 बजे तो अज काफ़ी काम कंप्लीट किया वा दिखा जो बाकी काम अभी कंप्लीट किया। यह जी दीवार है जी 5 फुट की, तोड़ उपर छत तो लग के थले तिकर सारी फैनल हो गई है। इस तो बाद इदा ही यह वीडी दीवार जी है ये भी फाइनल हो गई है। अगे तीकर बड़े वाइट तीन पीस लाए हैं वो भी। इस तो बाद ला रहे हैं आ जड़ी दीवार, ये बार्डर लाता बस उपर वाइट के तीन पीस रह गए लगन वाले, ये ला के उस तो बाद शुरू कर दा। फिर आ जड़ी दीवार है ये भी 30 लैवल करके रखी हुई है, पर टैलें जोड़निया ये भी इस दीवार दी। समान सारा मेरा इतने पिया वा, हर चीज़ पही है इतने। तो अज फफड़ा मेरे नाल फफड़ा दिता, एक बार बासुनी तो छुट्टी गया हुआ दूसरी साइड तो चले गया, तो मिस्त्री आ गया से उन्होंने उधर भेज दिता, तो उन्हें लाने आइडिया दीवार रही है जी। दीवार ला के मुड़े कंप्लीट करके फिर देखते हैं कि लगता है। फैदल मेरी काम पर सी जी, तो काम तो एक बजे घर आए हैं, तीन से दो बजे सारू जमा हों, मैं टाइम हैगा वा चार दिन में क्या गया तू मशीन ला लवी कपड़े मैं पानी चो आ कट दूंगा, फिर मशीन तो ला लें सुखे कपड़े पा के मशीन पा लें मुड़ के थले बह के ना, तो कपड़े पानी चो नहीं निकलते है। कपड़े माशाल्लाह बहुत आ रहे थे बच्चों के, तो इस वास्ते मैं कभी इन्ने कपड़े नहीं, मेरे को गलती को निकलने है चाची आई नहीं है। हाँ जी कट लव ना फिर आप तार तो पा लें एक बार निकल जाएंगे, ये पैर दो
आप काम पर सी तो मैं तुम आ जाओ एक बार घर आ जाओ तो कपड़े मशीन लाई है सुबह कह गया तो कहना चल ठीक है मैं आई ना हूँ साहब आया तो हम कपड़े ना कढ़ा लिया मैं उससे पूरे कड़ लवो कुछ मैं कढ़वाया तो मैं फिर आप कपड़े कड़ के तो पानी चो तो फिर आप पा लें कट्ठे साहब कपड़े कट दे सिलाई करने दिते मंगाए मैडल तैयार हो गया ना के कहने पापा मैं भी थोड़े जाना जुम्मा पढ़न ते कहंदे अज कपड़े कढ़ लैंदा मैं ते फिर नाल जांदे आ जिने दिन दे ओ काम नहीं ना हुंदा रहेगा हां जी साहब ये पहले कुड़ी काम करना ही घर होंदी थोड़ा पता कर ला हां जी चलो ठीक है सही है पता कर दे ना ओ भी ओदा पता कर ला भी ओ ना फिर नाल चार दिन हो हां जी चलो ठीक है हुन कुछ कपड़े रह कढ़ ले ते कुछ कपड़े रह के कढ़ने नाल मशीन च ते हुन ओ भी कढ़ लेने आ तो साहब कह कर दो तो मैं नाल नाल फिर नचोड़ लेना कपड़े कपड़े असी जी तकरीबन सारे कढ़ ले हुए हैं मैं भी अपने कढ़ लिया मैं धो के आ पा लिया अपने नचोड़ के पानी भी चुका के जोड़े हरम हो रहे थे आ रखे हैं सारे बच्चों ने बाकी जोड़े है मैं बेगम थोड़े कर मेरी हेल्प कर मैं काम से भी जाना मुड़ के जमा पढ़ के तो हूँ मैं जाके पहले अपने कपड़े पा लिना वा फिलहाल अपने कपड़े जड़े मैं पा दिते धुपते पानी नुचड़ता पिया वा इदा पानी नुचड़ जाना सारा थले हूँ लैके आना वा काके होने कपड़े मशीन तो बंद कर दी है बस हाँ भी रह गया बस चलो ठीक है सारे हूँ जी आए कपड़े उपर पे है ये बच्चों के ही है जो थले सारे कल कल रखे हुए हैं ਇਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ ਸੀਗੇ ਅੱਗੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਧਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾ ਲਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆਣ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਕਢਾ ਦੂੰਗਾ ਹੁਣ ਫਟਾਫਟ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋ ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ काम तो सब लेट हो गया तो उन्हें कहते फटाफट मैंने कपड़े पवा के कर ले सारे हम जल्दी जल्दी छुट्टी जान डे कपड़े मंजी ते तारते भी सारे कपड़े साहब ने पाते जुम्मा पड़न तुसी भी जाना पापा जुम्मा पड़न क्यों जी कहने से बहुत मम्मा फटाफट मैं कपड़े लिया नवे कपड़े पा के जुम्मा पड़न जाना ਤਿਆਰ ਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਭ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਚਲ ਕੁਛ ਮੈਂ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਆਹੀ ਪਾ ਦਿਓ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂਜੀ चलो ठीक है चलो ठीक है जी पा दो चलो ठीक है जी पा दो इतने पा दो
सुक जाने बस पा दवो उजैर दिचौनिया मैं चल मशीन च पा देनी वाहवा सब कहते मैं खुद धोवे नाल कपड़े तो कपड़े तू ना धोई तो अच्छा जी चलो ठीक है जी क्योंकि आखिरी जुम्मा वा जुम्मा पढ़ के उस तो बाद फिर चलते हैं काम से उम्मीद करा भैन भरा आई वीडियो पसंद आऊगी।